प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों को कई जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कई देश भर की छात्र छात्राएं सहित शिक्षक और अभिभावक भी शामिल हुए। वहीं रुद्रपुर के गंगापुर रोड स्थित एक निजी स्कूल में छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही विधायक शिव अरोरा भी पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के द्वारा बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को सच्चाई से मुकाबला करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा में असफल होने पर मानसिक तनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर छात्र छात्राएं परीक्षा के बाद अपने परिजनों को सही से बता दें कि उनका पेपर ठीक नहीं गया तो रिजल्ट के समय मानसिक तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन छात्र छात्राओं के द्वारा सच्चाई का सामना न कर झूठ का रास्ता चुना जाता है, जिसके चलते परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्र और छात्राओं को मानसिक तनाव हो जाता है। इससे निकलने का एकमात्र तरीका है कि वे सच्चाई से मुकाबला करें, झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें। साथ ही पीएम मोदी ने कई जानकारी विद्यार्थियों को दी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संवाद है, बहुत ही अनूठा संवाद है। सबसे बड़ी बात है कि वो बिंदु जो छात्र के जीवन में अपेक्षाओं बड़े सामान्य आते हैं उन सब पर चर्चा की गई। अपेक्षाओं का दबाव, परिवार अपेक्षा करता है, उस दबाव से कैसे निकले, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा हो, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो तनाव आ जाता है परीक्षाओं का, उस तनाव से बाहर कैसे रहें। बहुत अच्छी सीख मिली हमें, ये देखने को मिला कि वो कैसे ध्यान से सबके प्रश्नों को पहले सुन रहे हैं, उसके बाद उनका ध्यान से आंसर कर रहे हैं। और उनने जो गैजेट्स को लेकर बात करी वो सबसे अच्छी लगी कि आजकल गैजेट्स को हमें एक दिन फास्टिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हम दूर रह सकते हैं गैजेट से, क्योंकि आजकल सब में यही क्रेज चल रहा है कि एक दूसरे से बात करना रह गया है और एग्ज़ाम को छोड़ के सब लोग गैजेट्स में लगे हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो यही सबसे बड़ी सीख मिली है। मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें जैसे कि हम एंग्जाइटी स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं और थोड़ी गैजेट से रिलेटेड कैसे उनसे दूरी बना सकते हैं, ज़्यादातर उसी वजह से।